अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल अहसन ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रवा साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। उन्हें जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई पर एतराज था। आज काउंसिल में होने वाली कार्रवाई में भी शरीक नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल, दो दिन में दो जज मुस्ताफी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन को अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 10 मार्च 2024 को रिटायर होना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। इस्तीफे के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नवम्बर 2027 तक तकरीबन 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। जराए का बताना है कि जस्टिस एजाज जुमेरात को होने वाली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। उन्हें साबिक जज मजाहिर नकवी के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर एतराज था। जस्टिस एजाजुल अहसन पानामा केस में JIT के निगरान जज बनाए गए थे। अहम तरीन इस्तीफे के बाद जुडिशियल कमीशन और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियाँ सामने आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा बन गए। जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशियल कमीशन के बन गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस में से 3 असामियां खाली हो गईं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, 2 मुस्ताफी जज मजाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल अहसन के बाद असामियां खाली हुई। मुतनाज़ा फैसला दें, करप्शन के केसेस निकल आए, रेफरेंसेस बन जाए, मुकदमात की तहकीकात हो रही हो, इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफे देने से बात नहीं बनेगी, अब एहतसाब होगा। मरियम औरंगजेब ने जस्टिस एजाजुल अहसन और मुजाहिर नकवी को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या जस्टिस एजाजुल अहसन और मुजाहिर नकवी के इस्तीफे से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? इस्तीफे गवाही दे रहे हैं कि ये लोग गुनाहगार हैं, गलत काम नहीं किया तो कटहरे में खड़े हो जाएं। नवाज शरीफ ने खानदान समेत अपना एहतसाब कराया। महंगाई क्यों है? ये एजाजुल अहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मुजाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है। साजिशी चेहरे, ये किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म किया, वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे वो साफ कर सकते हैं। आप अपना इस्तीफा देकर, आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा? नहीं माफ होगा। ये एहतसाब आज से शुरू होगा। एक शख्स के साथ आपने ज्यादती करने के लिए आज नवाज शरीफ सुर्खरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे पर रद्दअमल देते हुए माहिर कानून राजा खालिद परवेज ने कहा कि जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो समझ जाते हैं इस केस में मजबूत दलाइल हैं, मुस्ताफी हो जाते हैं, इल्जामात से बरी हो जाते हैं, पेंशन भी लेते रहते हैं। मुफ्ती कौसेन कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उन्होंने इसी में आफियत समझी। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर उसाफ ने कहा कि अदालत की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जिस तरह जजमेंट आ रही थी ये उसका गैर यकीनी इख्तिताम है, ऐसे केस में इस्तीफा वापस नहीं लिया जा सकता। जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो समझते हैं कि इस केस में कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया, तो फिर वो जब कोजेंट कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद होती है तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करके घर चले जाते हैं, इल्जामात से भी बरी और पेंशन बेनिफिट भी उन्हें मिलते हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला है वो ये है कि उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उन्होंने आफियत इसी में समझी के बजाय इसके कि उन कंप्लेंट्स को फेस करें जिसमें खासा सब्सटेंशियल मटेरियल था, तो ही ऑप्टेड के रिजाइन कर देना चाहिए। कोर्ट की वर्किंग में सिलसिले चल रहे थे, जजमेंट्स जिस तरीके से आ रही थी और जिस तरीके से टिल्ट नजर आता था, जब कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का होल्डर होता है वो जब रिजाइन करता है तो अपना वो रिजिग्नेशन वापस नहीं ले सकता। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहता, आर्टिकल 206(1) के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे का मतन बोल न्यूज ने हासिल कर लिया है। उन्होंने लिखा कि एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और अहम तरीन फैसलों का हिस्सा रहने वाले जस्टिस एजाजुल अहसन कौन से बड़े बेंचेस और फैसलों का हिस्सा रहे, उनके करियर पर नज़र डालते हैं जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में।
जस्टिस एजाजुल एहसन 28 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकरर हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 26 अक्टूबर को जस्टिस फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना था, जिसकी मियाद 4 अगस्त 2025 तक होनी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर जज अहम तरीन मुकदमात और फैसलों का हिस्सा रहे। पनामा केस की समाप्त करने वाला 5 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन का पहला बड़ा केस था, जिसमें अपने सवाल से न सिर्फ वो खबरों की जीनत बने बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस पर निगरान जज भी मुकरर हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस का फैसला भी तहरीर किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने CCPO लाहौर तैनाती केस में न सिर्फ पंजाब और KP इंतखाबात में ताखीर पर सोमोटो लेने के लिए नोट लिखा था, बल्कि इंतखाबात का फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा भी रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ भी फैसला दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन पार्टी सदारत केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले बेंच का भी हिस्सा रहे। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में अहम तरीन इंतजामी ओहदों पर भी रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 17 असामियों में से 3 खाली हो चुकी हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और 2 मुस्ताफी जजेस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की असामियाँ खाली हुई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे से जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन गए। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल, कहा आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए हैं, आइन पाकिस्तान अवाम के लिए है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा, कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दिए जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल ने कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी को अपना मौकफ देने का एक और मौका दे दिया, नोटिस भी जारी। इस्तीफे के बावजूद जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई होगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला कर लिया। मुजाहिर नकवी को कार्रवाई में शामिल होने के लिए इत्तला का नोटिस भी जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे से आगाह करते हुए इस्तीफे का मतन पढ़ा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुआवना तलब की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो जज सुप्रीम कोर्ट से बरतरफ हो या रिटायर्ड हो जाए उस पर काउंसिल में कार्रवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, जज की बरतरफी का सवाल अब गैर मुतालिका हो चुका है, काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। चीफ जस्टिस ने कहा, आईन पाकिस्तान अवाम के लिए है, सिर्फ जजेस और ब्यूरोक्रेट के लिए नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, काउंसिल के सामने सवाल ये है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर असर क्या होगा, कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब ये नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। जज के इस्तीफे की 2 सूरत हो सकती हैं। पहली सूरत ये हो सकती है कि जज के खिलाफ शिकायत झूठी थी, जज ने प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया। दूसरी सूरत में जज के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त थे, जज सामना नहीं करना चाहते थे। मेंबर काउंसिल जस्टिस मंसूर ने कहा, जज का इस्तीफा और जज की बरतरफी 2 अलग चीजें हैं। जज के खिलाफ इल्जामात सच साबित होते या शिकायत दुरुस्त ना होती, इल्जामात साबित होने के नतीजे के तहत जज की बरतरफी होती। चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक जज के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त साबित हो या गलत, फेयर ट्रायल होना चाहिए। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाए, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बल्ले का निशान, सब परेशान, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन पिशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकरर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुबह समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया था कि पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है। पिशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत में दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, जिसके बाद PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। मुख्तसर फैसले में पिशावर हाई कोर्ट ने 3 अहम पॉइंट्स बताए थे, जिनमें अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है, इंतखाबी निशान दिया जाए।
अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को जारी नहीं किया। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त पेशावर हाईकोर्ट में दायर कर दी। दो रुकनी बेंच सुबह समाप्त करेगा। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कानूनी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले पर अमल दरामद ना किए जाने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे बरोज जुमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद शामिल हैं। पीटीआई की दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अरकान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया, अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया और ना ही वेबसाइट अपडेट हुई। एएनपी सूबाई सदर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, एमल वली खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान से माजरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर मेरे बयान से चीफ जस्टिस की दिल आजारी हुई है तो माजरत खा हूँ, अदालत के अंदर वाक़े पर भी माजरत खा हूँ। हमने अदलिया समेत तमाम इदारों का हमेशा एहतराम किया है, आइन अदलिया और जजेस की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। मैं अफसरदा हूँ उस अमल पे और मैं मेरे ख्याल में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के टेरिटरी के अंदर तमाम निज़ाम से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर के नाते माजरत ख्वाह हूँ। ये दावे से कह सकता हूँ और कहूँगा कि अवामी नेशनल पार्टी ने सारी तारीख में अदलिया को, इदारों को, सब जजेस को, वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, अवामी नेशनल पार्टी के माइंड सेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि खुदा ना खास्ता हम या किसी जज की तौहीन करें या हम जुडिशरी की तौहीन करें या हम आईन के साथ खिलवाड़ करना शुरू करें, हम कभी नहीं करते और ना हम कभी ये तसव्वुर कर सकते हैं। 9 मई के वाकयात, बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। 9 मई बानी पीटीआई के खिलाफ 12 केसेस, अटियाला जेल में केसेस की समार, पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा खारिज। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी की एटीसी के जज मलिक एजाज ने केस की समाप्त की। सरबरा पीटीआई की तरफ से वकील मलिक फैसल और शहबाज खोसा पेश हुए। तफ्तीशी अफसरान ने बानी चेयरमैन के 30 दिन जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की। एटीसी ने इस्तेदा मुस्तरद कर दी। 2 रोज पहले जेल में ही गिरफ्तारी के बाद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड इसी अदालत ने दिया था। आज 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर सरबरा पीटीआई को जेल में ही कायम अदालत में पेश किया गया था। सियासी जमातें अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, कोई जेल से बचना चाहता है, कोई बाहर आने के लिए लड़ रहा है। तांदलियावाला में जलसा आम से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पंजाब के सियासतदान जब बीमार हो तो इलाज लंदन जाकर करवाते हैं। मजीद कहा कि आवाम मेरी हुकूमत बनाए तो उनको इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सूबे और मुल्क पर अशराफिया की जमातें मसल्लत की गई, ये गरीब और किसान दुश्मन हैं। सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाए, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। अशराफिया की सियासी जमातें आप पे मुसल्लत किया, इस सूबा पे मुसल्लत किया, इस मुल्क पे मुसल्लत किया, ये गरीब दुश्मन जमातें हैं, ये किसान दुश्मन जमातें हैं, ये मजदूर दुश्मन जमातें हैं, और जब भी मैं आते हैं तो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। बिलावल भुट्टो का मंशूर मुल्क के हर फर्द के लिए बेहतर है, सांगढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है। आज रैली में किसान मजदूर साथ खड़े हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का सांगढ़ में रैली से खिताब, कहा सांगढ़ आकर निहायत खुशी हुई, यहाँ मेरे नाना और वालिदा भी आई। बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि आपके हुकूक की जंग लड़ सके।
सरगोधा में टिकट ना मिलने के फैसले के खिलाफ नून लीगी कारकुनान और अहदेदारान पार्टी क़यादत के खिलाफ बाहर निकल आए। पार्टी क़यादत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। वर्कर्स को इज्जत दो के नारे, अगर फैसला वापस ना लिया गया तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी कारकुनों का एहतजाज। साबिक MPA तैयबा जमीर का कहना है कि जिसने 40 साल मुस्लिम लीग नून से वफा की उसको टिकट नहीं जारी किया गया, जो सरासर जुल्म है। करप्ट और नाअहल शख्स को पार्टी टिकट जारी करना लीगी कारकुनों और शहरियों के साथ ज्यादती है। मुस्लिम लीग काफ ने सराय आलमगीर में नू लीग को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। NA 62 में उम्मीदवार मैदान में ले आई। चौधरी मूसा इलाही ने अपना पैनल मुकम्मल कर लिया। मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद असलम साबिक जिले जनरल सेक्रेटरी ने राहें जुदा करके काफ लीग ज्वाइन कर ली है। राजा असलम को काफ लीग ने PP 27 से पंजाब असम्बली का टिकट जारी कर दिया। PP 28 से नईम रजा कोटला मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार होंगे। बानी PTI से मुशावरत हो गई, आज रात 11 बजे टिकट्स का ऐलान कर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जिसे टिकट ना मिले वो भी पार्टी के फैसले को सपोर्ट करे। आइंदा 3 से 4 रोज़ में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना इलेक्शन कमीशन का हक है। कमीशन को हाई कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जमा करा चुके हैं। इस्तदा है कि पहले ही देर हो चुकी है, जल्द से जल्द बल्ले का निशान अलॉट किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात शफाफ कराए। हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला आज 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाल्लाह ताला किसी भी वक्त में टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं पार्टी वर्करों से और कैंडिडेट से उम्मीदवार से एक दरख्वास्त करता हूं कि जिस किस्म का टिकट आप चाह रहे थे शायद आपको वो टिकट नहीं मिला, या आप टिकट चाह रहे और आपको टिकट नहीं मिला, तो मेहरबानी करके अपने पार्टी के डिसीजन को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला 3-4 दिनों में हम कैंपेन भी शुरू करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे हक में है। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है तो ये उनका एक हक है, अगर वो जाना चाहते हैं। मेरे इलेक्शन कमीशन से एक इस्तेदा है, आज हम इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कापी जमा करा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलर्ट किया जाए और हमारा सिंबल से जो सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन की आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए दूसरे किस्त का इजरा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। IMF का इजलास आज, पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक वॉशिंगटन में लगेगी। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की अदायगी की हतमी मंजूरी पर गौर होगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। मुआहिदा गुज़िश्ता साल 15 नवम्बर को तय पाया था। पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.2 अरब पहले ही हासिल कर चुका है। कर्ज प्रोग्राम के तहत दूसरा जायजा इजलास आइंदा माह फरवरी में शेड्यूल है। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान $6,64,00,000 की कमी हुई है। स्टेट बैंक की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर के अदाद शुमार की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। डिस्कोस को फौज को देने की खबरें झूठी करार। वजारत तवानाई का कहना है कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फौज के हवाले करने से मुतालिक मीडिया में गर्दिश करने वाली हालिया खबरें झूठ पर मबनी हैं। ऐसी किसी मंसूबाबंदी जेरे गौर है ही नहीं। तकसीम कार कंपनियां डिस्कोस को फौज के हवाले करने की खबरें मनगढ़ंत हैं। वजारत तवानाई ने गर्दिश करने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वजारत तवानाई ने कहा डिस्कोस के इंतजाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही और न ही उन्हें किसी दूसरे इदारे के हवाले किया जा रहा है। डिस्कोस को रियासत के किसी भी इदारे के हवाले करने का कोई मंसूबा नहीं है। जारी वजाहत में वजारत ने कहा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फौज के हवाले करने की खबरें गलत हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा है कि पाकिस्तान जिसको पसंद नहीं वो मुल्क छोड़कर चला जाए। दहशतगर्द खुदकुश हमला आवर बनकर हमें डराना चाहते हैं। ये बुज़दिल लोग छुप छुप कर हमले करते हैं। पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब में उनका कहना था कि ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। हम ये लड़ाई हिकमत और हिम्मत से लड़ेंगे। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के दौरे अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही, ये एक निजी दौरा है। वापसी पर उनसे ब्रीफिंग लेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया।
ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان کل عدم ٹی ٹی پی سے ڈائیلاگ میں دلچسپی نہیں رکھتا، ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کی عبوری حکومت ایکشن لے۔ غزہ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی افریقہ کے غزہ کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں، بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ سیاسی گیم کے لیے کیا۔ اجے بساریہ کا بیان بھارت کی فسطائی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے، جہاں کراچی میں جرائم پیشہ عناصر آزاد گھوم رہے ہیں۔ منگھو پیر سلطان آباد میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا۔ کراچی جرائم پیشہ عناصر کے لیے جنت بن گیا۔ منگھو پیر سلطان آباد میں فائرنگ ایک شخص جان سے گیا۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی رنجش کا شاخسانہ قرار دیا۔ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے عظیم نامی شہری زخمی ہو گیا۔ سچل گوڑھ میں مبینہ پولیس مقابلے میں دو ملزمان دھر لیے گئے۔ گزشتہ روز گرفتار کیے گئے لیاری گینگ وار وسیع اللہ لاکھو گروپ کے کارندے کبیر کے دوران تفتیش اہم انکشافات۔ ملزم نے بتایا کہ وسیع اللہ لاکھو بھتہ خور گروہ چلا رہا ہے، جس میں 40 اس سے زائد لڑکے کام کرتے ہیں۔ بھتے کی پرچی دینے پر 8 سے 10 ہزار روپے ملتے ہیں۔ بھتہ وصولی کے لیے خواتین اور بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ وسیع اللہ لاکھو خود ایران میں۔ کراچی میں چند ماہ قبل موسمیات کے قریب سے 6 سالہ جھلسی ہوئی بچی کے ملنے کا واقعہ۔ بہتر دیکھ بھال کے لیے بچی کو ڈیفینس چائلڈ ہوم منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کے مطابق سمرین نامی بچی نے ملاقات کے دوران اسکول جانے پر اصرار کیا تھا۔ بچی کو احمد علی نامی شہری لے کر سچل تھانے لے کر پہنچا تھا۔ شہری نے بچی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ چائلڈ ہوم میں تعلیم کے ساتھ بہتر دیکھ بھال ہوگی، کوشش کریں گے کہ بچی کے والدین مل جائیں۔ بھارتی فوج میں خواتین اہلکار اپنے ہی افسران سے غیر محفوظ، بھارتی افسران جنسی ہراسگی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ کئی افسران پر ہراسگی کا الزام۔ 2007 سے اب تک 1243 بھارتی فوجی خاتون اہلکار جنسی زیادتیوں کا شکار ہو چکی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ ہمسایوں اور خطے کے ممالک میں دہشت گردی، کشمیر میں کئی دہائیوں سے مظالم اور قتل و غارت گری، ساتھی خواتین فوجی اہلکار کے ساتھ جنسی ہراسگی، بھارتی فوج سے کوئی بھی محفوظ نہیں، بھارتی فوج کے اعلی افسران کا غیر اخلاقی چہرہ بے نقاب۔ بھارتی خاتون لیفٹیننٹ کرنل گوری مشرا نے ساتھی لیفٹیننٹ کرنل دیویش مکھرجی کے خلاف ریپ کا سنگین الزام لگایا۔ خاتون افسر نے بتایا ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی گئیں اور پھر بلیک میل کیا گیا۔ اگست 2019 میں ایک میجر جنرل کو اپنی ساتھی خاتون افسر پر جنسی ہراسانی پر فوج سے خارج کر دیا گیا۔ 2014 میں حاضر سروس کرنل اجیت کمار کی اہلیہ نے بریگیڈیئر جے سنگھ کے خلاف جنسی بلیک میلنگ کا الزام عائد کیا۔ دسمبر 2016 میں جنسی ہراسگی کا شکار میجر انیتا کماری نے خودکشی کر لی تھی۔ ایشیا ٹوڈے کے مطابق 2006 سے 2009 کے درمیان جنسی ہراسگی کا شکار خاتون آفیسرز نے خودکشی کی تھی۔ 2007 سے اب تک 1243 بھارتی فوجی خاتون اہلکار جنسی زیادتیوں کا شکار ہو چکی ہیں۔ 3 سالوں میں 123 خاتون اہلکاروں نے جنسی ہراسگی کی شکایات کی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں بھارتی فوج ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچا دی، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، کراچی میں بھی یکبستہ ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرا دیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی کر دی ہے، جنوری کے آخری ہفتے میں بارش کا بھی امکان ہے۔ گھر میں سردی اپنے جوبن پر، کراچی سے کشمیر تک شدید ٹھنڈ، بلوچستان میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی۔ شہر قائد میں بھی سرد ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرا دیا۔ شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، کشمیر میں بھی پہاڑوں پر چاندی بکھر گئی۔ خیبر پختونخوا میں بادلوں کے ڈیرے، بارش اور برف باری متوقع۔ مری میں بھی دل فریب نظارے، سیاحوں کے وارے نیارے۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی کر دی، جنوری کے آخری ہفتے میں بارش کا امکان ہے۔ ملک میں شدید اور خشک سردی بیماریاں بانٹنے لگی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نمونیا کی وبا شدت پکڑ گئی۔ پنجاب میں 10 میں سے 8 بچے متاثر، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صورتحال کا جائزہ لینے چلڈرن اسپتال پہنچ گئے۔ متاثرہ بچوں کی دیکھ بھال اور بہتر علاج معالجے کی ہدایت بھی جاری کی۔ خیبر پختونخوا میں 6029 بچے نمونیا کا شکار ہو چکے۔ سردی کا راج،
नन्हे फूल होने लगे नमूनिया का शिकार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वबा शिद्दत पकड़ गई। पंजाब में 10 में से 8 बच्चे मुतासिर। लाहौर में नमूनिया के बायस 36 बच्चे जाँबहक हो चुके। वजीर आला मोहसिन नकवी सूरत हाल का जायजा लेने चिल्ड्रन अस्पताल पहुँचे। इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज बच्चों की इयादत। इंतजामिया को बेहतर इलाज मुआवजे की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद कर दी। नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज की मजीद तातीलात का ऐलान भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में होशरुबा इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक 6,029 बच्चे नमूनिया का शिकार हो चुके। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।